उस दिन नहीं अच्छा था। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब की लाइफ होगी सुपर से ऊपर और आप सब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और पूरी तरह से कुहासा लगा हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मैं आपको बाहर की थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि हर जगह का यही हाल होगा शायद। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है, तो बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। और मेरी दीदी हैं तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो तुम बिरयानी बना रही हो तो उसकी रेसिपी शेयर करना। तो ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था रेसिपी शेयर करने का, बट उन्होंने कहा तो मैंने रेसिपी शेयर की है कि मैं किस तरह से वेज बिरयानी बनाती हूँ। वैसे तो नॉर्मली सबको आती ही है, फिर भी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग है तो वही जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वही करना है और वही दिखाना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में, और चलिए देखते हैं पहले बाहर का नज़ारा। और देखिए फ्रेंड्स, सूर्य देवता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल 2:30 बजे कुहासा लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी, इसलिए ठंड बढ़ गई है। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लिए थे, ये कल रात की क्लिप है। और यहाँ पे गोभी, बीन्स, आलू मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए आलू, और ये मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई करके पहले निकाल दे रही हूँ। मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसे निकाल लिया है। बिरयानी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने फिर से इसमें आलू और गोभी वगैरह डाल दी हैं, जितने भी वेजिटेबल्स मैंने कट किए थे वो सब भी हल्के से मैं फ्राई कर लूँगी। तो जब मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट करके मैं जा ही रही थी बनाने के लिए, तभी मेरी दीदी का आ गया फ़ोन और उन्होंने पूछा कि क्या बन रहा है आज खाना। तो मैंने उन्हें बताया कि वेज बिरयानी बनने की तैयारी हो रही है और वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि रेसिपी शेयर करना कि कैसे बनाती हो तुम, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई शूट कर लेते हैं और वीडियो डाल देते हैं, दीदी भी देख लेंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और सब तो नॉर्मल जैसा ही एक ही जैसा बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो सकता है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो भी मेन जो इसका है वो यही है। तो बस यहाँ मैंने थोड़े से मसाले सभी ऐड कर दिए थे, नमक डाला और उसके बाद ये डाल दिया था मैंने बिरयानी मसाला। तो वेज बिरयानी मसाला मिला नहीं तो मैंने चिकन बिरयानी मसाला ही डाल दिया था, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो मसाले ही हैं, बिरयानी हो चिकन बिरयानी हो या वेज बिरयानी हो, दोनों ही बिरयानी में हैं तो मसाले कोई भी ऐड कर दो। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था घी, और जब मैंने सब्जियां डाली थी उसी टाइम मैंने इसमें दालचीनी और इलायची भी डाल दी थी, खड़े मसाले जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया था, तो उसकी क्लिप नहीं है। और यहाँ पर मैंने घी डाला और उसके बाद फिर डाला था मैंने यहाँ पर दही भर भर के, और उसके बाद बस ये हो ही गया है लगभग, मसाले सारे फ्राई हो चुके हैं। और दही मिलाने के बाद बस 5 मिनट घुमाएंगे इसको और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। हमारा ये तैयार हो चुका है वेजिटेबल्स, और उसके बाद मैंने चावल को धो के रख लिए थे। और कुकर गर्म होने के बाद मैंने इसमें पहले थोड़ा सा घी डाल दिया था ताकि सब्जियां चिपके ना, और उसके बाद लेयर बाय लेयर मैं लगाती जा रही हूँ, पहले वेजिटेबल्स, उसके बाद चावल, फिर उसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो, और उसके बाद फिर से वेजिटेबल्स। तो इसी तरह हम जितने ही हमारे क्वांटिटी में रहेंगे चावल और वेजिटेबल्स तो वो हम लेयर लगाते जाएंगे यहाँ पे। और लेयर लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी का मेजरमेंट ये है कि जितना चावल हमने लिया है उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी लेना होता है। तो यहाँ पे जिस गिलास से मैंने चावल लिया था उससे 1.5 गिलास, जैसे 1 गिलास मैंने चावल लिया और तो उससे 1.5 गिलास पानी मैंने डाला है,
तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिया था, तो मैंने लगभग 3 गिलास पानी डाला है। तो ये इसका परफेक्ट मेज़रमेंट है, इसे ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी पकती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया था अच्छे से मिलाकर, और इसे बंद कर दिया। और उसके बाद 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर, बस हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। और जब तक हमारी बिरयानी तैयार हो रही है, तब तक मैं कर लेती हूँ रायता बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीरे का रायता। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बिरयानी बिल्कुल बनके हो चुकी है तैयार, गर्मा गर्म, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। जो भी हमने खड़े मसाले डाले थे, इलायची, दालचीनी, घी और बिरयानी मसाला, वो सब मिलके इतनी अच्छी खुशबू दे रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिए थे थोड़े से काजू फ्राई करके, तो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बना था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और उसके बाद रायते के लिए मैंने खीरा घस लिया था, और उसमें थोड़ी सी चीनी, दही, काला नमक और जीरे का पाउडर, ये सब मिला के मैंने ऐड कर लिया। और इसमें और भी मसाले पड़ते हैं, जैसे अगर किसी को तीखा खाना हो तो लाल मिर्च का जो रोस्ट करके डालते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई तीखा इतना खाता नहीं है, तो मैंने बस सिंपल ही बनाया था रायता। और बिरयानी के साथ ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है रायता, तो जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उसके साथ रायता ज़रूर बनाती हूँ। और उसके साथ पापड़ पॉपिंस वगैरह होते हैं, अदर्स को पॉपिंस बहुत पसंद है, तो उसके लिए पॉपिंस। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए ये गर्मा गर्म बिरयानी, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनी थी, बहुत ही खुशबूदार और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें इतनी सारे वेजिटेबल्स हैं इसलिए हेल्दी है। और इस तरह से बच्चे खा लेते हैं, सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो खा लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत नखरे करते हैं वो खाना खाने में, सब्जियां खाने में तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। तो यहाँ पर बिरयानी हो गई है बिल्कुल तैयार, आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए यम्मी एंड टेस्टी बिरयानी। कैसा है? जबरदस्त, उस दिन नहीं अच्छा था? नहीं आज बहुत ट्विंकल अपना चट कर गई, आदर्श इधर बैठे खा रहा है बेचारा नीचे। तो फ्रेंड्स 9 बजते ही अभी टीवी पर आ रहा है मास्टर शेफ, तो सभी इधर हॉल में बैठकर ही खाना खाते हैं इसी तरह से, सबके अपनी अपनी जगह है बना रखी है इन्होंने, और यहीं पे हॉल में बैठकर ये खाना खाते हैं, और यहीं पे लाला कर मैं देती रहती हूँ दौड़ दौड़ कर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।